बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एज आई मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज ऑन माई चैनल। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं बहुत सारी बार अपने ब्लॉग्स में ये चीज़ बोल चुकी हूँ दैट मैं धीरे धीरे हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज कर रही हूँ और टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ हम लोग जा रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के। और ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल सिर्फ खाने या खाने पीने से ही रिलेटेड है। एवरी थिंग मतलब आप खाना किस में बना रहे हो, आप क्या यूज़ कर रहे हो, वो सब भी डिपेंड करता है उन सब चीज़ों के ऊपर। तो नॉट रिसेंटली बोलूँगी मैं, लास्ट 6-7-8 मंथ से मेरे पास स्टेनलेस स्टील का कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। हम लोग कुकिंग जो है वो अब स्टेनलेस स्टील में ही मोस्टली करते हैं। बहुत सारे तरह के डिफरेंट पॉट्स मेरे पास हैं, जैसे कि मेरे पास क्ले पॉट्स हैं, आयरन के जो पैन्स होते हैं वो भी मेरे पास हैं। तो वो सब भी मेरे पास हैं जो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में अपने पूरे कुकवेयर बताऊंगी जो भी मेरे पास हैं, लेकिन दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। लास्ट वीडियो में बिकॉज आई आस्क्ड यू कि अगर आप मेरा कलेक्शन देखना चाहते हैं, लॉट ऑफ यू वर सो इंटरेस्टेड टू सी माई कुकवेयर कलेक्शन, सो आई थॉट टू मेक इट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो येस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। दिस इज नॉट एट ऑल एन स्पॉन्सर्ड वीडियो। सारे जितने भी पॉट्स हैं वो सब खुद मैंने खरीदे हैं धीरे धीरे करके। तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली जब हीट करते हैं हम उसको, तो वो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या केमिकल नहीं प्रोड्यूस करता है, अनलाइक एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम करता है, प्लास्टिक करता है और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको हीट करते हैं तो इट इज़ गुड फॉर कुकिंग, इट इज़ सेफ होता है ये काफ़ी। उसके बाद ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है बहुत ज़्यादा, इसको क्लीन करना बहुत ईजी है। बट स्टेनलेस स्टील को भी आपको वाइजली चूज़ करना है, बिकॉज अब मार्केट में जो स्टेनलेस स्टील आता है बहुत सारे वो प्योर स्टेनलेस स्टील नहीं होता है, वो नॉर्मल एक स्टील होता है जिसमें काफ़ी सारे केमिकल्स के थ्रू बनता है। तो आपको उस तरह के जो स्टील के बर्तन हैं वो अवॉइड करने हैं। जनरली जो 150-200 रुपये वाले जो कुकवेयर होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करिए। आप अच्छे से रिसर्च करके, स्टडी करके अपने कुकवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करिए, मैं इन्वेस्ट करना बोलूँगी इस चीज़ को। और इसको क्लीन कैसे करते हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि उनके जो कुकवेयर हैं वो जल जाते हैं। ऑब्वियसली स्टील में थोड़ा सा जलेगा ही जलेगा, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिव्यू ईच एंड एवरी वन कि किस में जलता है, किस में नहीं जलता है, कैसे क्लीन करना है, सब कुछ वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये मेरा फर्स्ट वेसल है जो मैंने लास्ट ईयर परचेस किया था। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने विनोद का परचेस किया था और ये मैंने ऑनलाइन अमेजन से मंगवाया था। एंड आई टोटली लव दिस कढ़ाई। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती है, इसकी जो कोटिंग है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है। तो ये है मेरी फर्स्ट परचेस एंड आई टोटली लव्ड इट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, बट येस, इसका जो बेस है वो बहुत थिक नहीं है, बट हाँ डेली उसके लिए दाल वगैरह के लिए, हलवा हलवा एंड ऑल दैट थिंग आप इसमें कर सकते हैं। येस, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। आई डोंट नो वाई, बट येस, इसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। आपको कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है, तब जा करके आपकी जो भी सब्जी है वो अच्छे से इसमें पकेगी। जो मैंने परचेस किया था वो था ये अगेन विनोद की कढ़ाई है और ये लिड के साथ आई है। इसकी लिड काफ़ी स्ट्रांग है और इसके अंदर इस तरह से फिक्स हो जाती है। इसके बाद अगेन ये भी जो लास्ट पैटर्न है उसी पैटर्न में मैंने ये परचेस किया था, तो ये भी वैसे ही पैटर्न की है। और इसके अंदर भी मैंने, जैसे हम ज़्यादा लोग कोई आ जाते हैं 4-5 लोगों के लिए अगर बनाना रहता है तो फिर ही मैं इसमें बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको डेली के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये कभी कभी यूज़ होती है। तो ये है मेरा सेकेंड परचेस। नेक्स्ट आते हैं प्रेशर कुकर के ऊपर। तो ये हम लोगों ने लिया था प्रेस्टीज का डिलक्स अल्फा प्रेशर कुकर है ये, एंड इसको भी हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इसको ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स हो चुके हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड। इसका जो शेप है वो मैंने इस तरीके से लिया था कि अगर हम इसको भी अकेले यूज़ करें तो इसके अंदर कुकिंग हो जाए। दूसरी चीज़, इसका जो बेस है ये बहुत बहुत थिक है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आप कुक करते हैं तो वो जलता नहीं है। तो आप इसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं एज अ पैन और आप इसको एज अ प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, हमने वो जो हुक वाले, लॉक वाले आजकल प्रेशर कुकर चल रहे हैं वो इसलिए नहीं लिया था बिकॉज उसके रिव्यूज़ मैंने बिल्कुल अच्छे नहीं देखे हैं। और जब मैं देख भी रही थी क्लिप ऑन वाले, जिनको बोलते हैं, जो क्लिप होता है और ओपन हो जाता है, मैं पिक्चर डाल दूँगी यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिए। ये मुझे नॉर्मल जो हमारे पुराने टाइप के कुकर चलते हैं, मैंने ये वैसा ही लिया है बिकॉज एक तो उसके अंदर ऐसा रिव्यूज़ आए हैं कि जो स्टीम है वो बाहर निकलने लगती है और उसका स्टीमिंग प्रोसेस इज लिटिल टिपिकल, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपके पास वो हो और आप उसको पसंद करते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट मुझे ये जो नॉर्मल हमारे कुकर होते हैं एक्चुअल वाले, वो ही मैंने परचेस किया है।
तो ये प्रेशर कुकर है जो कि प्रेस्टिज का लिया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। ये 3 लीटर्स का प्रेशर कुकर है, तो अगर आप नॉर्मल 3 से 4 लोगों का खाना बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ गुड फॉर यू। अब आते हैं इस पैन के ऊपर। तो ये जो पैन है दिस इज़ फ्रॉम मेयर ब्रांड। तो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, इसको ख़रीदने का रीज़न ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने विनोद की भी कढ़ाइयाँ खरीद चुकी हूँ और मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस इज़ ये थोड़ी सी हैवी क्वालिटी में है, प्राइस रेंज भी ये हैवी है, इसकी क्वालिटी भी ये हैवी है और इसका स्टील भी बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका बेस बहुत स्ट्रांग है, ये ट्रिपल लेयर में काम करता है, मतलब यहाँ पर ऊपर स्टेनलेस स्टील है, इसके अंदर की जो एक लेयर है वो एल्यूमिनियम की है और इसके जो पीछे की जो लेयर है, आउटर लेयर जो है, वो अगेन स्टेनलेस स्टील है। तो अंदर का पार्ट एल्यूमिनियम है जो कि आपके खाने में बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी थिक हो जाता है और क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम है स्टील के बाद, तो जो आपका खाना है वो बहुत इवनली इसमें कुक होता है। तो ट्रस्ट मी, आप इसमें कुछ भी बना करके देखेंगे, जैसे हलवा हो गया या कोई भी सब्जी या पोहे हो गए, तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि इसके अंदर काफ़ी इवनली चीज़ें कुक होती हैं। तो यस, दिस इज़ एक्सपेंसिव, बट आई थिंक आपकी हेल्थ के लिए अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है और अच्छे से वो काम कर रही है तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ें तो कभी ख़राब ही नहीं होती है। तो आई रियली लाइक दिस वन एज वेल। दूसरी चीज़ आते हैं, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, ये तो स्टील है तो गर्म होने पे डेफिनेटली ये गर्म होगा, बट अंटिल और अनलेस आप आधे घंटे के ऊपर की कोई कुकिंग नहीं करते तब तक ये गर्म नहीं होता है। और ये गर्म क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सिलिकॉन दिया हुआ है, तो आप जब इसको इस तरह से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो आपके हाथों में गर्म नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये गर्म नहीं होता है। तो आई रियली लाइक इट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आते हैं इसके ऊपर। सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम दी ब्रांड मेयर। मैंने ये दोनों का सेट परचेस किया था साथ में, इसके साथ लिड आई हुई है। तो आप इसकी लिड को एंड इसकी लिड को कंपेयर करके देखेंगे अगर, तो आपको क्वालिटी मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्यों इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। कैन यू सी द क्वालिटी, ये हैवी मेटल का है, इसका मेटल बहुत हैवी है, इसका जो रिम दिया हुआ है स्टील का ये बहुत हैवी है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अगेन सिलिकॉन लगाया हुआ है ताकि आप इस तरह से इसको पकड़ेंगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, गर्म नहीं लगेगा। सो आई रियली लाइक दिस वन। और ये अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज इट्स ऑल्सो गुड, अच्छा है ये भी, बट क्वालिटी आपको मैं बता रही हूँ कि क्यों दोनों में प्राइस डिफरेंस है। अब आते हैं इसके पैन के ऊपर। तो ये पैन की क्वालिटी अगेन मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसमें कितनी भी देर तक आप खाना पकाएंगे, आप जो प्रॉपर मसाला भूनते हैं, मैंने इसमें कम से कम 4-5 बार जो प्रॉपर मसाले वाली सब्जियां होती है, लाइक पनीर हो गया, छोले हो गए, इस तरह की सब्जियों को भूंज के देखा है, एंड ट्रस्ट मी, 1% इसमें कुछ भी जला नहीं है मेरे साइड में। और अगर कभी इन केस आप रख के भूल जाते हो, जल जाता है, तो उसको क्लीन करने का बहुत ही ईजिएस्ट मेथड है जो कि मैं आपको भी एंड में बताऊंगी। तो ये मैंने अगेन मेयर से परचेस किया है, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो आई रियली लाइक दिस वन, ये मेरा फेवरेट है बाकी सारे बर्तनों में। इसकी प्राइस रेंज इतनी कॉस्टली क्यों है, इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये ट्रिपल लेयर जो मैंने आपको भी पहले बताया उस पर काम करता है, काफ़ी हैवी इन साइज है। दूसरी चीज़, आई डोंट नो आपको ये वीडियो में पता चल रही है कि नहीं, इसके अंदर गोल 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 रिंग्स बनी हुई है, बहुत छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई है, जिसकी वजह से जो पूरा खाना है, आप जहाँ पर भी कुकिंग कर रहे हैं, आपकी जो हीट है वो इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो बहुत इवनली तरीके से कुक होता है। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। तो ये मैंने प्रेस्टीज ब्रांड का ख़रीदा था, ये काफ़ी छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, तो मैं जनरली कभी कभी दाल बगाड़ती हूँ तो मैं इसमें बगाड़ लेती हूँ, कुकर में दाल लगाने के बाद इसमें बगाड़ के कुकर के अंदर डाल देती हूँ, उसके बाद चाय बनाना है, दूध बनाना है, समटाइम्स चावल बनाना होता है एक इंसान के लिए, तो वो सब चीज़ हम इसमें बना लेते हैं। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि ये बहुत गंदी तरह से जला है, बट आप देख सकते हो एकदम क्लीन एंड क्लियर है, ये कुछ भी इसमें गंदगी नहीं है, बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है ये। ये था मेरा स्टेनलेस स्टील का कलेक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं है बट सब में हो जाता है। दूसरी बात जो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आता है कि उन लोगों का खाना स्टेनलेस स्टील में अगर आप बनाते हैं तो वो चिपक जाता है। वो डेफिनेटली चिपकेगा, हाई में तो आपको कोई भी स्टेनलेस स्टील का बर्तन चलाना नहीं, उससे थोड़ा सा कम जो है, मतलब मिडिल और हाई के जो बीच का होता है ना, उसमें आप चलाएंगे तो आपका जो खाना है वो जलेगा नहीं। विनोद वाले में थोड़ा सा जल जाता है बिकॉज उसकी जो लेयर है वो थोड़ी थिन है। विनोद के भी हाई क्वालिटी वाले आते हैं, आप वो परचेस कर सकते हैं, लेकिन मेयर वाले जो मैंने अभी तक देखे हैं वो जलता नहीं है बिकॉज काफ़ी थिक मटेरियल का है वो,
दूसरी चीज़ आप कोशिश करिए, मैं जनरली इनके अंदर वुडन स्पैचुलास यूज़ करती हूँ, वो सेफ़र होते हैं, आप स्टील वाले भी यूज़ कर सकती हो बट वो स्क्रैचेस ना आ जाए, नए बर्तन है, इस चक्कर में मैं भी स्टील वाले यूज़ नहीं करती हूँ, वुडन स्पैचुला यूज़ करती हूँ। अब आते हैं इसको क्लीन करने के ऊपर, तो मैं डेली तो मेरे यहाँ मेड आती है, अभी मेड तो ऐसे घिसती नहीं बैठेगी फॉर श्योर, उसको क्या करना कैसा बर्तन है कितने का है उसको कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, मंथ में एक बार, ये मैंने बेकिंग सोडा और लेमन स्लाइस लिया है, अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा जल गया है तो आप 15 मिनट्स इसको एज इट इज़ लगा करके रख दीजिए, आपका क्लीन हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अंदर वेसल में पानी भर के 15 मिनट्स उसको बॉईल कर लीजिए, तो आपका ये बहुत इजीली इस तरह से क्लीन हो जाता है। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के अंदर आएगा, जो मैंने भी फील किया है कि इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, येस दैट्स ट्रू, इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। तो येस, खाना बनाते टाइम आपको ऑयल ज़्यादा लग सकता है, बट वो हार्डली एक स्पून ज़्यादा लगेगा, जो आप पहले छोटी स्पून की बात कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी स्पून की नहीं, तो एक स्पून ज़्यादा घी या ऑयल में बघार रहे हो तो वो एक स्पून ज़्यादा लगेगा, दैट्स इट। तो आई थिंक वो जो एक स्पून ज़्यादा है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो आप टेफ्लॉन कोटिंग के ऊपर केमिकल्स खा रहे हो, जो केमिकल्स आपके खाने में मिल रहा है वो ज़्यादा डेंजरस और डिजास्ट्रस है। तो आई थिंक इतना तो चलता है, ऑयल और घी वैसे भी खाना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, जैसे मशीन को चलाने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, वैसे हमारी बॉडी को रन करने के लिए भी ऑयल और घी की ज़रूरत होती है, वो एक प्रॉपर प्रपोर्शन में खाना ही चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. I'll meet you in my next video. Till then, bye.